राजा का उल्लेख नहीं मिलता। तत्पश्चात झालोर सुबह यात्रा से ही जोधपुर शासकों की शिवानागढ़ पर आंख लगी हुई। दादाजी के उस चरित्र को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम भी अपने देश के लिए, हम भी अपने जो पालने वाले हैं उनके प्रति समर्पित भाव रखें। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में विराजे वयोवृद्ध आदरणीय रतन सिंह जी सीनियर साहब पधारे मंच पर, जेटू सिंह जी राव मंच पर पधारे। अब समय मैंने कहा ना कि अस्तांचल की ओर जा रहा है, मैं दूसरों को समय में बांध रहा हूं लेकिन मैं समय पे नहीं बंधा जा रहा हूं, क्योंकि मंच मिल गया है और वो भी इतिहास के पन्नों का झरोका जब आता है। साथियों, आज ये प्राचीरें बोलती हैं, लगता है कि आज शिवाना का दुर्ग अपने उन घावों को भी भूल रहा है जो उसने सदियों पहले घाव सहे थे। ये बुड्ढा दुर्ग हो गया है, इमारत भी हे मेघवालाओं, हे बादलों, घनघोर वर्षा यहां से लेकर के जाओ और मारवाड़ की धरती पर उस धरा को आप पुनः सिंचित करके जब वापस मिला है, लेकिन इतिहास गद्दारों को भी माफ नहीं करता है। एक नाई की बारी मुझे यहां दिखती नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे नहीं दिख रही है। गद्दारों का स्थान दिखना भी नहीं चाहिए। वो वहां से कहते हैं कि यहां एक नाई वाली बारी थी और उस गद्दार ने यहां पर जो है गुप्त सूचना दे दी थी, तो उसका इंतकाल ऐसा हुआ कि उसको मारवाड़ को तो राजकीय मिला, वो खुद अपनी जान से चला गया। गद्दारों के साथ में तो यही होगा साथ। उस गद्दारों के पर्चनों पर भी हम नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए मुझे आज उसका वो बारी भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है। आज संतों की धरती का सानिध्य यहां मिल रहा है,